मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, वेलकम बैक। मेरे यूट्यूब चैनल शोभा पहाड़ी ब्लॉग है, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से देवभूमि हिमाचल की खूबसूरत वादियों से। तो ये देखिए, अभी हम आ गए हैं ब्यूर लाने अपने खेत में, तो हस्बैंड जी के साथ सुबह सुबह, और 7:30 बज चुके हैं। तो चलिए ले चलते हैं आप लोगों को भी हमारे साथ। तो जी देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी चढ़ गए हैं पेड़ में, और मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ, और जो कचरा वगैरह था वो मैंने जला दिया है घास काटते टाइम जो इकट्ठा किया था। तो मैंने तो बोला मैं चढ़ती हूँ, बट खुद चढ़ गए। वैसे मैं चढ़ जाती हूँ। तो जी देखिए, उगता हुआ सूरज बहुत ही प्यारा लग रहा है, और गाइस धूप कुछ ऐसी है धुंधली धुंधली सी, और यहाँ पे देखिए तोते, जिसको हम बोलते हैं शुग्गे अपनी भाषा में, और पानी डाल दिया गया है खेतों में, आप लोग देख सकते हैं चमकीला चमकीला जो दिख रहा है, ये पानी डाला हुआ है खेतों में। ये देखिए, अभी हमने रख दिया है गाड़ी के ऊपर, और हम चल पड़े हैं घर की तरफ, गौशाला की तरफ। अभी जो बन रहा है हमारा डिनर बन रहा है, और बनाई हमने राजमा की दाल, कढ़ाई में दिख रही है पीछे, और अभी मैं बनाऊंगी हम चूल्हे में चपातियाँ। तो यहाँ पे है हनी, और साथ में है दीबू साइलेंट बॉय, शक्ल से इतना शरीफ लगता है पर गरीब गुंडा है बहुत, है ना, गुंडे गुंडे दीबू को दिख गए थे मक्की के दाने जो इसके पॉपकॉर्न बनते हैं खुद के घर के, जिसको हम बोलते हैं दांत वाली छल्ली अपनी लैंग्वेज में। तो इसके जो पॉपकॉर्न बनते हैं, तो बनाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं, तो थोड़ा सा शेयर करूंगी जितना भी होगा और जैसे भी बनेंगे। और अभी मैं आटा गूंद के कर दिया है रेडी, तो अभी बनाऊंगी मैं चपातियाँ, और दीबू बनाएगा पॉपकॉर्न। यहाँ पे ले लिए है भुट्टे के दाने, और थोड़ा सा लेंगे हम नमक और हल्दी थोड़ी सी कलर के लिए, तो अभी तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है नमक। और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। तो आप हल्दी और नमक पॉपकॉर्न डालने के बाद, मतलब जो भुट्टे के दाने हैं उसको डालने के बाद भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए तेल गर्म हो गया है, तो अभी इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाना है, लो फ्लेम में। तो अभी बिल्कुल स्पीड कम कर दूंगी मैं। हाँ ठीक है, से थोड़ी देर मतलब ऐसे ही लाना है कड़छी के साथ या ऐसे ही, और जब भी ये फूटने स्टार्ट हो जाएंगे तब इसको ढक्कन लगा लेंगे, और फिर जब तक आवाज़ कम नहीं होगी तब तक इसको फूटने देंगे, और फिर बाद में खोलेंगे ढक्कन। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे ऐसे ही। तो फूटने स्टार्ट हो गए हैं हमारे पॉपकॉर्न। पानी निकला, पानी इस ढक्कन में मत
लॉकर में था पानी थोड़ा सा, तो जी देखते हैं हमारे पॉपकॉर्न बने हैं कि वैसे ही है छोटे छोटे। तो ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न बन के हो गए तैयार। देखिए बहुत बड़े बड़े पॉपकॉर्न बने हमारे, मेरे साइड बंद कर। तो जी देखिए ये पूरा भरी हो गया हमारा छोटा छोटा सा डोंगा भरी हो गया है और बहुत अच्छे से कलर भी आ गया है और टेस्टी बने हैं बहुत ज़्यादा। बहुत टेस्टी बने हुए हैं हमारे पॉपकॉर्न। याहू याहू, मैंने कभी सोचा था फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। सो फ्रेंड अभी हम खाना वाना बना के बैठ गए हैं चूल्हे के पास आग सेकने। तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब हम छोटे छोटे थे तो हम एक ट्रिप जो है आजमाया करते थे। उससे क्या होता था ये मैं आप लोगों को बैक कैमरे से बताती हूँ। तो वो ट्रिक क्या है वो आप तो अभी इनको बता रही हूँ मैं कि हम बचपन में ये खेले खेलते थे। तो सच में वो दिन कहाँ गए बचपन के। बचपन में हम मतलब फ़ोन से बहुत दूर थे, दूर दूर तक, कोसों दूर तक, मतलब उस टाइम फ़ोन नहीं होता था हमारे टाइम में। तो हम बस गुल्ली डंडा बैट बॉल जो भी थे और छुपन छुपाई बस ऐसी ऐसी चीज़ें खेलते थे। और एक गेम ये थी इसको भी खेलते थे। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को आज अपने बचपन की गेम। तो जी हम बचपन में क्या करते थे, दो लकड़ियाँ लेते थे और एक छोटा सा लकड़ लेते थे और छोटा सा लकड़ जो है दूसरा आदमी लेता था। तो इस लकड़ को यहाँ से फिरोते थे और ऊपर से निकालना ऐसे करके, तो 100 बार करना ये। और ये जो लकड़ लिए होते थे इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और बाद में जब आप 100 कर देंगे ऐसे लकड़ छोटी लकड़ी के साथ, तब आप इसको उठा नहीं सकते, मतलब बहुत भारी लगता था ये। तो आप लोग भी आजमा के देखना और कौन कौन करता था ऐसा। तो अभी आप लोगों के सामने करेंगे। दिब्बू से लकड़ी हिल गई थी तो अभी है हनी की बारी। तो देखते हैं हनी फर्स्ट टाइम जो है कर रहा है, दिब्बू ने पहले भी किया, तो हनी का क्या रिएक्शन होता है। और देखते हैं हाथ पूरे काले कर दिए तूने, हो गए 50। आराम से उठाना, ऊपर को उठा। क्या हुआ भारी हुआ? देखिए ऐसे गिरा ऐसे होता था, मैं भी करती थी ऐसा। तो जी आप लोगों ने देखा हनी का रिएक्शन। हनी बोलता मम्मी ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर उठा रहा हूँ। तो सच में बहुत भारी होता है क्योंकि हम जो है लकड़ी को कस के पकड़ते हैं ताकि हिले ना, तो फिर अचानक से आराम से उठा रहा ऊपर को, तो एक्चुअली होता है। आप लोग भी आजमाना, बहुत खतरनाक ट्रिक है। और देखते हैं, और खाना खाने के लिए हस्बैंड जी की कॉल आई थी, बोले आप खाना खा लो। तो अभी हम खाना खाएंगे और वीडियो का भी करते हैं यहीं पर एंड। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा। ये फिर से लग पड़े हैं, अभी इसी काम में लगे हैं। तो गजब बेइज्जती है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।